स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज ने अपने Q4 रिजल्ट पेश किए और 80% की जंप है नेट प्रॉफिट में, और इन्होंने अभी 2420 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट में 80% की जंप होने के बावजूद शेयर 7% क्रैश हो चुका है। तो ये क्रैश की वजह क्या है? मार्केट को इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं लगे, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, तो ऐसे इस वजह से उस शेयर में गिरावट हुई है। आप ये मत समझिए कि ये शेयर ख़राब हो गया है, ऐसे हो गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट में जंप है, हर तरह से इसने अच्छे रिजल्ट पेश किए। और इस इतना अच्छा करके भी कंपनी का शेयर आज 7% क्रैश हो चुका है, इस वजह से लोगों को लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। और कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और कुछ लोगों को रिजल्ट पसंद नहीं आए होंगे, मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए होंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। मगर आपके पास अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, छोटी छोटी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। ये कोविड में 2000 के आसपास आ चुका था, और वहाँ से इसने देखिए अभी ये 8000 तक जा चुका था, 7500 समथिंग, और अभी भी 7000 के आसपास चल रहा है या थोड़ा सा नीचे आ चुका है अभी आज की गिरावट की। हम आगे देखेंगे शेयर का प्राइस। अब देखिए अभी कंपनी ने 2420 करोड़ का नेट प्रॉफिट जंप किया है, 79.67% की जंप है दोस्तों। और पिछले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट था 1346 करोड़, अब देख सकते हो 1346 से डायरेक्ट 2420, ये अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। अभी सुनाई सुनाई बातें हो गई दोस्तों कि, और ये न्यूज़ न्यूज़ हो गया, नेट प्रॉफिट 80% न्यूज़ में ही बताया और इतना प्रॉफिट हो गया 2400 करोड़ का, तो ये न्यूज़ में ही बताया। और Q4 रिजल्ट अच्छा है, ये न्यूज़ में ही बताया। अभी हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं हमारी, और उस शीट के आते हैं, रिजल्ट की शीट के ऊपर आते हैं। ये रिजल्ट अवेलेबल है 1 करोड़ में, और 2021 मार्च से लेकर 2022 मार्च तक के पूरे ईयर एंड के रिजल्ट हैं, और क्वार्टर एंड के रिजल्ट भी अवेलेबल है। लास्ट वाले दो इसमें ईयर एंड और पहले वाले दो में क्वार्टर एंड के रिजल्ट हैं, तो दोनों क्वार्टर को कंपेयर किया, पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर, और पिछला ईयर और ये ईयर। अब देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 नंबर का, तो पिछले क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट थे 1346 करोड़, और अभी इस क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट पेश किया उसमें 2419 करोड़ की नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अब आते ईयर पे, पिछले ईयर इनका प्रॉफिट था 4419 करोड़, और इस ईयर अभी इनका प्रॉफिट है 7028 करोड़। तो आप देख सकते हो कैसे तोड़फोड़ रिजल्ट है इस कंपनी के। तो हम भी पढ़ सकते हैं रिजल्ट, तो रिजल्ट पढ़ के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर रहे दोस्तों। तो आप ऐसे शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक बार लगा दो और छोड़ दो, ऐसा भी किया तो भी चलेगा, अदरवाइज आपने SIP किया, जैसे ही डीप मिलता है 5 शेयर उठा ले, 10 शेयर उठा ले, ऐसे करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। अभी हम आते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, 4,06,491 करोड़, ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही तगड़ा है, और इसका फेस वैल्यू 2, फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है। इसका 52 वीक लो है 4,690 रुपीज़, और 52 वीक हाई 8,000 के आसपास, 8,050 रुपीज़। अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 55.86%, FII है 21.41%, DII है 11%, और पब्लिक है 11%, और अदर्स है 0.35%। तो आप देख सकते हो दोस्तों प्रमोटर, पब्लिक, प्रमोटर, FIIs, DIIs, इन्होंने ही पूरी 90% तक कंपनी एक्वायर कर ली है। आप देख सकते हो प्रमोटर फिर भी बहुत कम है, 55% है, और FIIs ने जम के खरीदा इसमें, तो FIIs ने अभी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, तो इस वजह से इस शेयर में थोड़ा सा क्रैश आ चुका है। अभी आप देख सकते हो फाइनेंस और NBFC में ये बजाज फाइनेंस 1 नंबर होल्ड कर रही है, 2nd नंबर पे है बजाज होल्डिंग, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 59,000 करोड़, और मुथूट फाइनेंस है 3rd नंबर पे, आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000, और ये आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस, तो उसके आसपास भी कोई नहीं है दोस्तों, ये बड़ा प्लेयर है मार्केट में, और ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। चाहो तो आप मुथूट फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कंसोलिडेट कर चुका है और ये अभी ऊपर जा सकता है, तो इस शेयर पे भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हो मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी। अभी हम आते हैं शेयर की टारगेट पे। बजाज फाइनेंस का टारगेट दे रहे 9,000 रुपीज़ एस सिक्योरिटीज़, और 9,500 रुपीज़ टारगेट दे रहा है ICICI डायरेक्ट, तो देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं। और कुछ लोगों ने टारगेट 6,000 का भी दिया है, उन्होंने भी क्वालिटी की राय दी है,
बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है, उन किसी ने ब्रिक वाल की दी है, किसी ने बाइंग की दी है, मगर मैं तो बाइंग की दिखा रहा हूँ आपको। क्यों? कि आपको इस गिरावट का फ़ायदा लेके आपको इन्वेस्ट करना है, और आप ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए, डरिए मत। आज शेयर थोड़ा सा क्रैश हो गया है, अगर कल आपने खरीदा है और आज थोड़ा सा और क्रैश हो गया, तो डरिए मत, आप होल्ड कीजिए, नहीं तो आप और गिर रहा है बोल के निकल जाओगे। ऐसे शेयर लॉस में मत निकालिए दोस्तों, ये आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे, और आप प्रॉफिट में ही निकलना है ऐसे शेयर में। ये शेयर आपको वेल्थ बना के देंगे, ये वेल्थ क्रिएटर शेयर है दोस्तों। अभी हम आते कंपनी के शेयर प्राइस पे, आप देख सकते हो ये शेयर कल के दिन 7.24% गिर चुका है। 500 रुपीज़ की गिरावट आ चुकी है शेयर में। शेयर 7200 से डायरेक्ट 6700 तक आ चुका है, और अभी देख सकते हो पिछले 6 महीने भी ये शेयर 10% डाउन चल रहा है, उसी प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों ये। और इसने अच्छी गिरावट भी हो चुकी थी मार्च 2022 में, 6000 के आसपास आ चुका था, और वहाँ से फिर से इसने 7500 को टच किया, फिर से ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और ये लॉन्ग जंप मारेगा दोस्तों। आप देख सकते हो इसका 52 वीक हाई है 8050 रुपीज़ का, और ये जल्दी ही क्रॉस कर देगा इसको। और एक साल में देखिए दोस्तों 27% के रिटर्न दिखाई दे रही है। 28 अप्रैल से अभी इस अप्रैल तक आपको बस 27% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, और 5 साल में देखिए दोस्तों 5 साल में 426% के रिटर्न है। जिसने भी 5 साल पहले होल्ड किए वो अभी भी प्रॉफिट में है दोस्तों, और 1 साल पहले वाला भी प्रॉफिट में है। आप देखिए अभी आप लोगे तो अब 2-4 साल के लिए ही लेना, आप ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में भी पैसा ज़रूर बनेगा, मगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे आपको, 10-20% से क्या होगा। और कोविड में देखिए ये अच्छा खासा गिर चुका था, 2000 के आसपास आ चुका था, और वहाँ से इसने पूरी रिकवरी कर ली है, तो ये अच्छा खासा भाग चुका है, और उसी प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़े टाइम हुआ इसका वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली अप 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 ही जा रहा है, बस कोविड में ज़्यादा गिरावट हो गई थी इसमें। और मैक्सिमम देखिए अभी तक इसने 1,16,700% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए, मल्टी बैगर रिटर्न है दोस्तों ये, 1,16,700% मल्टी बैगर रिटर्न है। पूरा पेनी स्टॉक था ये, 2005 से पहले की लिस्टिंग है इसकी, 2000 की होगी, 99 होगी, कब की होगी पता नहीं है, तब से लेके अब तक इसने 1 लाख के ऊपर रिटर्न बना के दिए है दोस्तों। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है, ये वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, ये आपके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। आप छोटी क्वांटिटी उठाओ मत, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए ये शेयर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।